नमस्कार दोस्तों, मेरे चैनल इंडियन ओलंपिक्स में आपका स्वागत है। इस वीडियो में हम 2024 ओलंपिक्स में बैडमिंटन के लिए क्वालिफिकेशन प्रोसेस पर चर्चा करेंगे, साथ ही उन भारतीय खिलाड़ियों पर प्रकाश डालेंगे जो क्वालिफाई करने की क्षमता रखते हैं। बैडमिंटन में 5 इवेंट होंगे, मेन सिंगल्स, वुमेन सिंगल्स, मेन्स डबल्स, वुमेन्स डबल्स और मिक्स डबल्स। क्वालिफिकेशन 1 मई 2023 से लेकर 28 अप्रैल 2024 के दौरान टूर्नामेंट से रैंकिंग पॉइंट्स पर होगी। आइए अब क्वालिफिकेशन प्रक्रिया पर नज़र करते हैं। सिंगल्स में 38 खिलाड़ी क्वालिफाई कर पाएंगे, जिसमें एक कोटा होस्ट कंट्री फ्रांस को मिलेगी। उसके बाद 35 रैंकिंग के आधार पर क्वालिफाई करेंगे और आखिरी में 2 खिलाड़ी ट्राइपार्टाइट कमीशन देशों को वाइल्ड कार्ड दिए जाएंगे। ट्राइपार्टाइट कमीशन में वो देश होते हैं जो 8 से कम एथलीट क्वालिफाई कर पाते हैं। एक देश 2 खिलाड़ियों को क्वालिफाई कर पाएगा अगर दोनों खिलाड़ी टॉप 16 रैंक में हो, अन्यथा एक देश से केवल एक ही खिलाड़ी क्वालिफाई कर सकता है। डबल्स इवेंट में सिर्फ 16 जोड़ी क्वालिफाई कर सकते हैं। एक देश 2 जोड़ी क्वालिफाई कर सकता है यदि दोनों जोड़ी टॉप 8 रैंकिंग में हो, अन्यथा एक देश से एक ही जोड़ी क्वालिफाई कर सकता है। तो ये थी बैडमिंटन के लिए क्वालिफिकेशन की समरी। अब हम भारतीय खिलाड़ियों पर नज़र करते हैं जिनमें क्वालिफाई करने की क्षमता हो। मेन सिंगल से शुरू करते हैं। 2022 में इंडिया ने पहली बार थॉमस कप जीता था। उसमें 3 खिलाड़ियों का बड़ा योगदान है, HS प्रणॉय, किदंबी श्रीकांत और लक्ष्य सेन। इन तीनों खिलाड़ियों के पास टॉप 16 में रैंक बनाने की क्षमता है। HS प्रणॉय अब इस साल काफ़ी अच्छे फॉर्म में हैं। उन्होंने हाल ही में अपना पहला BWF वर्ल्ड टूर टाइटल जीता। पूर्व वर्ल्ड नंबर 1 किदंबी श्रीकांत ने 2021 वर्ल्ड चैंपियनशिप्स में रजत पदक जीता था और सिर्फ 21 की उम्र में लक्ष्य सेन ने कई BWF टूर टाइटल जीत चुके हैं और 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स खेलों में स्वर्ण पदक भी हासिल कर चुके हैं। वुमेन सिंगल्स में सिर्फ PV सिंधु क्वालिफाई करने की क्षमता रखती हैं। PV सिंधु 2 ओलंपिक पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला बनी। सानिया नेहवाल के प्रदर्शन में हाल ही के वर्षों में काफ़ी गिरावट आई है और वह वर्तमान में 36 रैंक पे है। अन्य वुमेन सिंगल्स प्लेयर्स जैसे आकाशी कश्यप, मालविका बंसोड और तानिया हेमंत जैसे युवा खिलाड़ियों ने अभी तक अच्छे प्रदर्शन नहीं किया है। मेंस डबल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की जोड़ी अब रैंक में है। ये जोड़ी हाल ही में बहुत अच्छे फॉर्म में है। उन्होंने 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स, 2022 थॉमस कप और 2023 एशिया चैंपियनशिप्स में गोल्ड मेडल जीते हैं। अगला रैंक की जोड़ी MR अर्जुन और ध्रुव कपिला की है और वो अभी 23rd रैंक में है, तो उनसे क्वालिफिकेशन की संभावना कम है। वुमेन्स डबल्स में त्रिशा जॉली और गायत्री गोपीचंद की जोड़ी 15th रैंक में है। पूर्व बैडमिंटन खिलाड़ी और वर्तमान नेशनल कोच पुलेला गोपीचंद की बेटी गायत्री गोपीचंद है। ये जोड़ी 2022 कॉमनवेल्थ गेम्स में ब्रॉन्ज मेडल जीता था। अगली रैंकिंग की जोड़ी अश्विनी भट्ट और शिखा गौतम है जो वर्तमान में 40th रैंक में है। दुर्भाग्य से किसी भी भारतीय जोड़ी में मिक्स डबल्स में क्वालिफाई करने की पर्याप्त क्षमता नहीं दिखाई दी है। नई जोड़ी रोहन कपूर और सिक्की रेड्डी, सुमित रेड्डी और अश्विनी पोनप्पा, साई प्रतीक और तनिषा क्रास्टो अभी तक खुद को स्थापित नहीं किया है। तो रियलिस्टिकली में भारत के 7 एथलीट क्वालिफाई कर पाएंगे। भारत 2012 से बैडमिंटन में पदक जीत आ रहा है, क्या पेरिस में यही सिलसिला जारी रहेगा? अगला हम बॉक्सिंग के लिए क्वालिफिकेशन देखेंगे, इसलिए कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय।